और चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के सीहोर में जिस चमत्कारी रुद्राक्ष के दावे के साथ जो कार्यक्रम शुरू हुआ था, उस कार्यक्रम को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। कथित चमत्कारी रुद्राक्ष के लिए पहले दिन 20 लाख लोगों के पहुंचने के बाद सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, जिसके बाद 16 तारीख से जो ये पूरा कार्यक्रम शुरू होना था उसे अभी स्थगित कर दिया गया है। और इसके बाद प्रशासन ने लोगों से कुबेरेश्वर धाम न आने की अपील भी की है। अगले आदेश तक कथित चमत्कारी रुद्राक्ष अब नहीं बांटा जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। दरअसल सीहोर में एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें ये कहा गया वहां के पंडित द्वारा कि वो अभिमंत्रित रुद्राक्ष देंगे, जो कि एक शिवलिंग के बराबर ही है, चमत्कारी रुद्राक्ष है। अब उसको लेने के लिए वहां लाखों की भीड़ जुट गई है। और कैसे इस चमत्कारी रुद्राक्ष के लिए वहां धाम में लोगों की भीड़ उमड़ी है, कैसे ये व्यवस्था बिगड़ी है, उसकी 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 16 फरवरी से शुरू होकर ये कार्यक्रम 22 फरवरी तक चलने वाला था, लेकिन पहले ही दिन रुद्राक्ष लेने के लिए 20 लाख से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच गए। और इसी संख्या के कारण वहां हाईवे पर लंबा जाम लग गया, वहां रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई और इसी वजह से भोपाल इंदौर हाईवे पर लंबा जाम लग गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम के लिए 5 लाख लोगों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन पहले ही दिन 20 लाख लोग वहां पर पहुंच गए और जिसकी वजह से कुबेरेश्वर धाम में व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो गई। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा था। भगदड़ की स्थिति में महाराष्ट्र से आई एक महिला की जान तक चली गई और उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अब लोगों से अपील की जा रही है कि वो सीहोर से कुबेरेश्वर धाम न आए। और अभी के लिए रुद्राक्ष बांटने का कार्यक्रम जो है उससे भी टाल दिया गया है। अलग अलग 5 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और रुद्राक्ष वितरण को लेकर सीहोर प्रशासन की ओर से क्या कहा गया, क्यों कथित चमत्कारी रुद्राक्ष के वितरण कार्यक्रम को स्थगित किया गया है, इस पर सीहोर से कलेक्टर से न्यूज 18 की एक खास बातचीत आपको। चमत्कारी रुद्राक्ष लेने के लिए मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम में देखिए किस तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है और यहाँ पर जो कलेक्टर और एसपी पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है, क्योंकि कल तबीयत बिगड़ने की वजह से एक महिला की मौत हो गई थी। और जो लोग हैं जिस तादाद में आ रहे हैं, सबसे पहले कलेक्टर साहब से बात करते हैं। सर, ये जो मतलब जितनी तादाद में भीड़ आ रही है, आपने इस तरह से कुछ तैयारी की थी? देखिए, हम लोगों ने इस बार जो है काफी व्यापक तैयारी करी थी और आयोजन समिति का अनुमान था कि पूरा जो 6 दिन का पीरियड है, जो 16 से 22 का है, उसमें लगभग जो है 10 लाख के आसपास लोग आएंगे और प्रतिदिन जो है 2 से आसपास के लोगों के आने की संभावना थी, 2 लाख के आसपास लोगों के। लेकिन जो माहौल कल सबने देखा, पहले दिन लगभग सुबह और रात में 20 लाख के आसपास लोग आ गए और जो हमने लगभग 500 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था करी थी, रोड के 3-4 वैकल्पिक रास्ते बनाए थे, तो पैदल चलने वाले लोगों का क्राउड इतना हो गया था, ये पूरा इंदौर हमारा भोपाल हाईवे वो पूरा जाम लग गया था। इस तरह की जो हालात बनते हैं, मतलब लोगों को मतलब क्या आगे ये चलेगी, क्या पूरा रुद्राक्ष महोत्सव पूरा होगा? देखिए, यहाँ जो अभी कथा चल रही है वो कथा तो यहाँ चल रही है और आयोजन समिति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रुद्राक्ष को लेकर क्या डिसीजन ले रही है। लेकिन जो कल तक चर्चा चल रही थी, चूँकि क्राउड बहुत ज़्यादा है और लोग जो है कथा का श्रवण करें, क्योंकि रुद्राक्ष लेने के चक्कर में कई बार जो है लोगों को जल्दी रहती है अपनी बारी का और वह सब एक तरह के भगदड़ होने के चांसेस रहते हैं, या लोग बहुत शीघ्रता से अपनी बारी का वेट नहीं करके रुद्राक्ष जल्दी लेना चाहते हैं, तो हो सकता है कि रुद्राक्ष वितरण को लेकर जो है आयोजन समिति रुद्राक्ष वितरण का फैसला ना करे, लेकिन कथा यहाँ लगातार चल रही है। और चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त मनोज ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, देखिए वो तस्वीर सबने देखी जब 5 लाख लोगों के आने की बात कही जाती है, लेकिन संख्या 20 लाख तक जा पहुंचती है। अब ऐसे में भगदड़ मचती है, बताया गया एक महिला की मौत हो गई और कई सारे लोग ऐसे हैं जो जख्मी और कई सारे लोग ऐसे जो अपनों से भी वहां पर बिछड़ गए हैं, इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है। अभी वहां की क्या तस्वीर है, क्या ये जो कार्यक्रम टाल दिया गया है उसको आगे के लिए रखा जाएगा, क्या वहां से और जानकारी? प्रशासन ने सीधे तौर पर कलेक्टर ने कह दिया है कि आयोजन समिति ये तय करे कि रुद्राक्ष बांटने का काम फिलहाल ना हो, क्योंकि सारा जो कन्फ्यूजन है वो सिर्फ इसी बात से हो रहा है कि अभिमंत्रित जो कह रहे हैं ना कि मंत्रों के उपचार के साथ किया गया जो अभिषेक के साथ दिया जाने वाला जो चमत्कारी रुद्राक्ष है, उसके लिए यहाँ खासी भीड़ जमा होती है। देखिए, ये लोग जो हैं, हम इनसे भी पूछते हैं, ये लौट के, आप तो लौट के अपने घर को जा रहे हैं,
रुद्राक्ष मिला नहीं मिला जी, हमें नहीं मिला, हम भी बहुत दूर से आए, रुद्राक्ष नहीं मिला हमको। तो आप सिर्फ रुद्राक्ष लेने आए थे? पंडित प्रदीप मिश्रा तो कथावाचक है, ये रुद्राक्ष उन्होंने बोला था टीवी पर, हाँ हम रुद्राक्ष से बातेंगे करके, हम तो महाराष्ट्र से आए हैं। हाँ क्या रुद्राक्ष में ऐसा क्या था उसमें? वो बोल रहे थे कि बीमारी चल जाती है, तुम्हारा अच्छा होता है करके, तो बोलते जल में डाल के उसको तांबे के लोटे में डाल के और जल शिव का अभिषेक करके जल पीते हैं। शिव का अभिषेक करके जल पीते हैं। अब तो क्या मतलब आप कथा सुनने नहीं आए थे? आप तो हम रुद्राक्ष के लिए आए थे, बोला था पंडित मिश्रा ने कि रुद्राक्ष के लिए आए थे और हमको मिल भी गया, हमको मिला लेकिन दूसरी आम जनता को नहीं मिला। हमने तो बोला कि 24 घंटा बैठेगा घंटे की, लेकिन वहाँ पे तो पानी की तक व्यवस्था नहीं। आपको पता है एक मतलब तबीयत बिगड़ने से एक महिला की मौत हो गई? हमको पता चला जब भी हम वापिस आए कि मतलब धक्का धुक्की हो रही और बहुत बहुत पब्लिक की अफरा तफरी मची है, पूरा तहस नहस हो गया है, सब अपने रोते गाते घर को जा रहे, उनकी दुर्दशा हमसे तो नहीं देखी जा रही थी, लेकिन हम तो हमको तो लोगों ने ये तक बोला आपके हाथ पर जोड़ रहे हैं, आप यहाँ से लौट जाइए, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत रख के वहाँ तक पहुँचे। हाँ जी हाँ जी। मनोज प्रशासन से आपने बात की, लेकिन समिति क्या कह रही है, क्या वो इस कार्यक्रम को रोकेंगे या आगे चलाएंगे? तो कैसे चलाएंगे, प्रशासन के साथ चल पाएंगे तभी चल पाएगा ये? जाहिर तौर पर फिलहाल पंडित प्रदीप मिश्रा कथावाचक है और वो कथा वाचने के लिए उनके लिए उनका टीवी पर भी कार्यक्रम चलते हैं, उनकी कथा को लोग सुनते हैं, लेकिन अपनी कथा के दौरान जो उन्होंने रुद्राक्ष की बातें कही, आप लोगों को देखिए कि किस कदर परेशान होते हुए लोग अब अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। इनके मन में सिर्फ एक तमन्ना थी, एक अदद रुद्राक्ष की, जो इनको अब नहीं मिला। प्रशासन ने तय किया है फिलहाल रुद्राक्ष बांटने का काम पूरी तरह से रोक दिया गया। पंडित प्रदीप मिश्रा अपना कथा वाचन करेंगे और जो कुबेरेश्वर जो धाम है यहाँ पर फिलहाल रुद्राक्ष नहीं बांटे जाएंगे। आह्वान किया कि आप लोग आइए, प्रशासन ने क्या वो मंच से ये कहेंगे, जल्दी से जवाब ये जल्दी से मतलब अभी तक तो मंच से नहीं कहा गया, एक बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन मंच से आप लोगों को बकायदा कहा था रुद्राक्ष के लिए? जी हाँ, कहा था लेकिन मिला नहीं। हम वहीं से आ रहे हैं, उम्मीद से आशा से, हम तो पढ़े थे वहाँ पर, तो उम्मीद के सहारे मतलब जो उम्मीद लेकर आशा लेकर गए थे वो पूरी नहीं हुई। इंतजार रहेगा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जो है, लेकिन अभी फिलहाल कलेक्टर ने सीधे तौर पर कह दिया है क्योंकि ये फैसला आयोजन समिति को करना है, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था बना के रखना ये प्रशासन का काम है। और ये तस्वीर जो वहां से सामने आई है मनोज, वो बहुत खतरनाक है, डरा देने वाली। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। लेकिन सीहोर में स्थिति कैसे बिगड़ी उसकी एक तस्वीर जरा आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीहोर के रेलवे स्टेशन की तस्वीर है और लवीना हम देख सकते हैं भारी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं यहाँ। अभी ट्रेन नहीं पहुंची लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं छिटूरती ठंड में भी। और देखिए जानकारी ये भी मिली, जहां तक पहले तो आपकी नजर जाएगी वहां तक लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे अपनी बारी का इंतजार करते हुए। और ये बारी उसकी है कि रुद्राक्ष इन्हें भी यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा जन सैलाब कैसे रुद्राक्ष के लिए आया है ये तस्वीर भी आप देखिए, रात की जरूर तस्वीर है लेकिन खचाखच भरा हुआ ये प्लेटफॉर्म आपको इस तस्वीर में जरूर नजर आ जाएगा। महिला पुरुष बच्चे हर कोई आपको इस तस्वीर में यहाँ पर दिखेगा, चाहे रेल यातायात हो या सड़क यातायात हो, सब कुछ वहां ठप हो चुका है। ये आप रेल यातायात की तस्वीर देख रहे हैं।